दोस्तों, एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि आई हुई है नेक्स्ट वेव कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट वेव कंपनी एक एडटेक स्टार्टअप है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया अभी आप लोगों के लिए, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर आप हिंदी बोलना आता है आपको तो भी अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। रोल रहने वाला है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का, यानी प्री सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का रोल यहाँ पे रहेगा। कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट रोल के अंदर, जहाँ पे आप लोगों से ये क्या बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला अगर आप एक नेटिव स्पीकर हो हिंदी के तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा, और अगर आपको इंग्लिश भी आता है तो आपके लिए एडवांटेज रहने वाला है। मतलब इनका प्राइम फोकस रहेगा नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको इंग्लिश भी आता है तो आपके एक एडवांटेज रहने वाला है। सीटीजी आपका 3 LPA का रहने वाला है, और वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब ही आपकी रहेगी, 6 days a week यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है। मिनिमम ग्रेजुएशन या फिर 12th pass में से क्या रिक्वायरमेंट है वो एज सच यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया हुआ है, तो आप 12th pass हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर देना। हिंदी कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए। सेल्स के अंदर अगर आपको एक्सपीरियंस है एडटेक डोमेन के अंदर तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा, अदरवाइज़ वो कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंपनी के जो भी बेसिकली प्रोडक्ट्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे उसके लिए लीड्स जनरेट करनी होंगी आप लोगों को, एंड आप लोग यहाँ पे सेल नहीं करोगे, आप बेसिकली लीड्स जनरेट करके इनके सेल्स वाले जो बंदे रहते हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हो। सो ये बेसिकली यहाँ पे रोल रहेगा जो इन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा हुआ है। देन यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ना एक असेसमेंट दिया है जो आपको करना होगा, जहाँ पे इन्होंने बोला है आपको एक असेसमेंट वीडियो क्रिएट करनी है, जहाँ पे आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे हिंदी के अंदर, एंड आपको वहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स बताना है। देन आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे कि वाई नेक्स्ट वेव क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो। ये दोनों के लिए आपको एक वीडियो क्रिएट करना है, एंड वो वीडियो आपको कहाँ पे डालना है तो उसके लिए इन्होंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, असेसमेंट फॉर्म या फिर असाइनमेंट फॉर्म बोल सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम मेंशन करना है, देन आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करोगे, आफ्टरवर्ड्स आपको फ़ोन नंबर डालना है, देन एज डालोगे, आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, मलयालम है, मराठी है, कन्नड़ा है, ओडिया है, बंगाली है, गुजराती है, सब कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस पीरियड क्या है आपका, आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो तो इमीडिएट पर क्लिक करोगे। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन रीड किया है तो उस पर आप यस करोगे। रेज्यूमे आपको अपलोड करना है। असाइनमेंट आप यहाँ पे अपलोड करोगे जो इन्होंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इसके अंदर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। देन वो जो लिंक रहेगा वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे असाइनमेंट का। आपने इन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड एनी वन विद लिंक एक्सेस टू असाइनमेंट एंड रेज्यूमे, तो आप यहाँ पे यस करोगे। देन आप हैदराबाद पे ये लोग हायर कर रहे हैं तो इनिशियली वर्क फ्रॉम होम रहता है, देन लेटर ऑन ये आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, तो उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो या नहीं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। देन आपको और कुछ बताना है तो वो आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, एंड आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो यह फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। देन आज ही यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो विद इन 2 or 3 days या फिर मैक्सिमम इस हफ्ते के अंदर अंदर ये आपको अपडेट बता देंगे आपके सिलेक्शन का, एंड आपका इंटरव्यू रहता है वो यहाँ पे ये लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं। सो दोस्तों, आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको अमेजिंग लगी होगी। अप्लाई करने के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करे हुए हैं, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी तरह का कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। बाकी दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे कल एक न्यू वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी।